यार सबसे पहले तो हेडफोन्स लगा लो। भाई ने बोला करने का तो करने का। ठीक है जी। आज बात करेंगे गैदरिंग की। मतलब हर संगत में एक ऐसा दोस्त हमारा जरूर होता है जिसको मतलब कोई परवाह नहीं होती, जिसको कोई टेंशन नहीं होती कि यार रात के 4 बज रहे हो, 3 बज रहे हो कि यार मुझे घर भी जाना है। नहीं मतलब उसको कोई परवाह नहीं होती, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन ये जो बाकी के दोस्त बैठे हुए होते हैं 3-4, सबकी गांडे फटी हुई होती है क्योंकि एक के पास 8 मिस कॉलें आई हुई होती है बाप की, और एक के पास भाई का मैसेज आया होता है कि जानी गेट बंद हो गया तुम कल आना, और एक के बाद अम्मी की कॉल आ रही होती है भाई जल्दी घर आ जाओ बेटा कहाँ रह गए खाना वाना खा लो। लेकिन ये जो होता है ना इसको कोई टेंशन नहीं होती। मतलब ये ऐसा बंदा है रात के अगर 2:30 बजे भी मतलब मुझे कहीं जाना हो तो मैं अगर इसको बोलता हूँ कि भाई सीवीओ का मूड हो रहा है तो ये बैंड का लोड़ा शारा है फैसल पे लेटियां मार के सबसे आगे जा रहा होता है। लेकिन यार ऐसा बंदा जो है ना मतलब बहुत देर तक नहीं चल पाता संगत में, उसकी वजह क्या है पता है? उसकी वजह है शादी। शादी के बाद वो एकदम गायब हो जाता है संगत से। मतलब शादी हो गई उसकी वो गांडू हो गया, मतलब मार्केट से शार्ट शादी हुई उसकी। मैंने उसको कॉल की कुछ दिन बाद, मैंने बोला आ जानी कहाँ हो, आ जाओ संगत लगी हुई है, आ जाओ पहुँच जाओ। बोलता है यार आज जो है ना बेगम की खाला के बेटे की खतना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अबे यार बेगम की खाला के बेटे की खतना है तो तेरा क्या काम भाई, तो क्या दांतों से यूं खींच के खतना करेगा क्या उसका? फिर कुछ दिन बाद मैंने फिर कॉल की इसको, मैंने बोला हाँ भाई कहाँ है, आ जा गैदरिंग। बोला यार अभी मैंने ससुर की गांड में सर दिया हुआ है अभी तो मैं नहीं आ सकता, जब सर निकालूंगा तो फिर आ जाऊंगा। मतलब यार ये बंदा नहीं चल पाता, ये शादी के बाद एकदम शार्ट हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है। खैर ऐसे दोस्त के लिए मेरे पास एक शायरी है जो संगत से एकदम शार्ट हो जाते हैं, उसके लिए एक शायरी है। वो शायरी ये है कि इरशाद इरशाद के हमें पसंद है जमाल भाई के पकोड़े, के हमें पसंद है जमाल भाई के पकोड़े, शादी के बाद गैदरिंग से शार्ट क्यों हो गया बहन के लौड़े। भैया